ये देखिए, ये हमारा घर का सीलिंग फैन जो बियरिंग खराब हुआ है। तो क्या होता है, चलते चलते बीच में अटक जाता है, घर 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 करके अटक जाता है। तो हम अभी बियरिंग चेंज कर देंगे। ये वाला जो है पहले कम दाम का बियरिंग था। हम अभी बियरिंग लाए हैं, छोटो बियरिंग आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है SKF, ये सबसे दाम वाला है, ये बहुत दाम वाला बियरिंग है और ये ओरिजिनल बियरिंग होता है। तो दो ठो बियरिंग लाए हैं, एक का नंबर है आपका, ये भी देखिए 6202, ये बड़ा वाला है, और एक है 6201। तो ये वाला दोनों बियरिंग चाहिए। ये देखो, ये छोटा वाला है, तो ये सबसे ओरिजिनल बियरिंग होता है। इसको लगाने से क्या होगा, आपका फैन का प्रॉब्लम कम होगा, बहुत दिन लास्टिंग भी देगा। बियरिंग लगाने से यही वाला लगाना चाहिए, और फैन का जो मिस्त्री होता है वो लोग तो बहुत कम दम वाला देता है। ये देखिए, और ये बियरिंग जो लगाएंगे, ये वाला जो बड़ा बियरिंग जो, और SKF का जो जो बियरिंग होता है उसको लगाने से क्या होता है, इधर पे लूज नहीं मारेगा, यहाँ पे जो लूज होता है यहाँ पे, तो कोई कोई बियरिंग है कम दम वाला लगाने से यहाँ पे लूज होता है, और SKF का लूज नहीं होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो पूरा शेयर कर दीजिएगा। और ये देखिए, ग्रीस भी कैस्ट्रोल का देना चाहिए, कैस्ट्रोल का ग्रीस बहुत लास्टिंग देता है, इसलिए कैस्ट्रोल का ग्रीस जरूरत पड़ता है। ये देखो, ये कैस्ट्रोल का ग्रीस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पूरा पूरा शेयर कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरा चैनल भी है, यूट्यूब चैनल तरुण मैकेनिकल ब्लॉग।